तो हाय एंड वेलकम गाइस, दिस इज विक्की इंजीनियर। सो गाइस, सबसे पहले थैंक्स बिकॉज हम 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द पूरे करने वाले हैं। यही आज बात होगी बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बिकॉज भाई आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते कि भाई जो आपकी बाइक का ये स्विंग आर्म है ये कैसे बनाया आपने, जो उसका हब है टायर का वो कैसे बनाया। तो आज की वीडियो में यही सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, बिकॉज भाई आप बहुत सारे मैसेजेस करते थे, तो मैंने आपको वहां भी कहा था भाई मैं जरूर बनाऊंगा इस पर एक वीडियो, तो ये वीडियो है आज वो। तो चलो आज मैं दिखाता हूँ। और भाई अगर आपको फिर से पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना तो इंस्टाग्राम यूजर नेम है मेरा ये, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलो चलते आज की वीडियो में, चलिए। तो भाई ये है अपनी लिबेरो, अभी भाई सीट कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं इस पर। यार आप भी कहते हो यार कितना स्लो काम करता है बंदा, भाई क्या करूँ, कुछ तो मैं हूँ ही लेजी और कुछ और काम रहते हैं भाई, तो धीरे धीरे कर देंगे यार क्या। तो भाई अभी सबसे पहले आप पूछ रहे थे भाई जो जिसके ये बीच में ये अलग से शाफ्ट बनाई है मैंने, ये किस लिए है। तो भाई बात कुछ है हो गई थी ऐसी कि जो टायर है अपना ये थोड़ा सा वाइड था, क्योंकि कार से उठा रखा हुआ ये वाइड था, हम इस पर डायरेक्ट चेन नहीं लगा सकते थे बिकॉज टायर पे अड़ जाएगी अगर डायरेक्ट लाएंगे तो। तो भाई उसके लिए चेन सरकानी पड़ी भाई साइड में, तो चेन इसी जरिए से साइड में लाई जा सकती थी। तो भाई इसमें बैरिंग्स लगा के दो गरारी लगाई यहाँ पे, जैसे इंजन से पावर आएगी इस गरारी में और ये यहाँ पे टायर पे पहुँचा देगी। तो इसका यही काम है भाई, बैरिंग से इसमें दो, एक इस साइड एक उस साइड, और यहाँ पे बीच में सॉफ्ट नट बोल्ट से टाइट कर दें, तो मतलब अच्छी फिटिंग है बैरिंग्स, वैसे तो ख़राब नहीं होगा भाई पहली बात तो। और फिर बात आते भाई ये जो टायर का हब, इसके बारे में भी भाई आपने बहुत पूछा, जो ये हब बना रखा है मैंने ये रुक जो ये वाला, तो भाई ये खुद बनाया था, तो आई थिंक वीडियो तो भाई मैं इसकी बना नहीं पाया था, बट हाँ जब ये छोटा किया था पहले भाई क्या था थोड़ा चौड़ा था उसकी वीडियो है, उसका बटन यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो देख लेना भाई। तो अब तो भाई ये मैंने खुद ही बनाया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्प्रोकेट है ये यहाँ पे लगा था, यहाँ पे भी अलग से शीट वगैरह बना के लगाया था ये। तो भाई ये स्प्रोकेट लगा रखा आपके सामने है भाई। तो यार ये साइलेंसर भी मैंने अभी कस्टमाइज किया था, इसकी वीडियो स्पेशल बनाई थी मैंने। तो भाई इस साइड है डिस्क ब्रेक्स का सिस्टम, प्रॉपर काम करता है, बिल्कुल चक्का जाम कर देता है। तो ये भाई पल्सर का उठा रखा मैंने, ये नहीं पता कौन सा, आई थिंक 150 थी, यस 150 से उठाया था ये। तो ये भी मैंने खुद बनाया था, इसकी भी स्पेशल वीडियो बनाई थी मैंने, सारे लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे दूंगा आपको। तो भाई इस साइड से भी लुक देख लो कि कैसे पावर ड्राइव की मैंने इंजन से। और भाई स्विंग आर्म भी बनाया था यार, उसकी वीडियो भी डाली थी मैंने, सभी की डाल स्विंग आर्म पर तो बल्कि भाई दो वीडियोस हैं। और भाई बाकी अगर खोलने की बात रही तो भाई जिस दिन पेंट होगा उस दिन भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जब इसे खोल दूंगा। और अगला फेरिंग भी भाई तैयार है, अभी इससे अगली वीडियो उसी की है, तैयार हो चुकी है वीडियो प्रॉपर, बट मैंने पहले ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। अगला फेंडर बहुत अच्छा बनाया, मेटल का ही बनाया मैंने पूरा कंप्लीट। तो भाई इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो डाली थी भाई, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर ताकि यार उस पर अपडेट देता रहता हूँ मैं। बस अगर भाई और कुछ भी पूछना हो कमेंट करके बताना, ज़रूर करूँगा मैं कोशिश क्या करूँगा। तो भाई ये था मेरा स्विंग आर्म, तो और कुछ भाई पूछना तो कमेंट करके पूछो आप, मैं ज़रूर बताऊंगा भाई को। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो मेन तो यही था भाई, बहुत मैसेज आते थे आपके तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी भाई। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी बस मैं भी आज ही डाल दूँ बिकॉज वीडियो तैयार है, इसका पीछे वाला मड गार्ड भी बन चुका है वो भी लगाना है, तो उसको लगाने के बाद ही डालूंगा वीडियो। तो बस भाई सीट भी कस्टमाइज किया क्योंकि स्लिम सीट लगाए भाई, स्लिम में ही लुक आ रही है इसकी अच्छी। और अगले ब्रेक्स का सामान मिलाना रहता भाई क्योंकि मैंने आगे का उतार के पीछे लगा दिया था,
यार काम किया ही नहीं है यार मैंने इस पर, पता नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।